श्रीफल न्यूज परिवार की प्रस्तुति श्रीफल न्यूज। दिगंबर जैन महासमिति को नागपुर में सक्रिय करने हेतु महासमिति के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष सुरेंद्र बाकलीवाल एवं राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री मनोज पाटौदी ने एक दिवसीय दौरा किया। उन्होंने वहां मुनि श्री 108 प्रतीक सागर जी महाराज से आशीर्वाद लिया। शीघ्र ही महासमिति के महाराष्ट्र अंचल का अधिवेशन नागपुर में आयोजित होने वाला है। इंदौर से जैनेश झांझरे की रिपोर्ट। परम पूज्य मुनि श्री 108 सुरत्न सागर जी महाराज सत्संग प्रवेश कैलाश नगर दिल्ली में हुआ। उनका चातुर्मास दिगंबर जैन मंदिर कृष्णा नगर में होगा। दिल्ली से महामृत्युंजय परिवार की रिपोर्ट। 15 जुलाई को मुनि श्री प्रमुख सागर जी महाराज का चातुर्मास हेतु हैदराबाद में होगा भव्य मंगल प्रवेश। आचार्य श्री सुकमालंदी जी महाराज के विहार में सौहार्द की अनूठी मिसाल देखने को मिली। उनके सत्संग अलीपुर व पीसागंज से विहार में गुरुदेव की अगवानी मुस्लिम समुदाय ने की और गुरु वंदना के साथ प्रवचन की प्रत्येक सभा में भी उपस्थित हुए। ज्ञात हो कि अलीपुर में एक भी हिंदू घर नहीं है और पीसागंज में 1500 मुस्लिम घर हैं। पूज्य युगल मुनिराज श्री अमोघ कीर्ति जी एवं अमर कीर्ति जी महाराज का चातुर्मास श्री आदिनाथ जिन चैताले साकीनाका अंधेरी मुंबई में होगा। इस वर्षा योग में कलश स्थापना जीर्णोद्वार अनुष्ठान के रूप में 10 जुलाई रविवार को हो रही है। पहले चरण में कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात व मध्य प्रदेश के 15 मंदिरों का जीर्णोद्वार किया जाएगा। मुंबई से ललित केसावत की रिपोर्ट। दिगंबर जैन युवक युवती परिचय सम्मेलन 21 अगस्त रविवार को इंदौर में आयोजित होगा। यह आयोजन दिगंबर जैन सोशल ग्रुप नेमिनाथ ग्रेटर के तत्वाधान में होगा। इंदौर से जैनेश झांझरे की रिपोर्ट। बांसवाड़ा में बाहुबली कॉलोनी में मुनि श्री समय सागर जी और मुनि श्री आगम सागर जी का पुण्य मिलन हुआ। मुनि श्री समय सागर जी का गुरुवार प्रातः प्रवेश हुआ। इस मौके पर समाज और मुनि सेवा समिति के पदाधिकारी उपस्थित थे।